इंडिया वर्ल्ड की सबसे अमेजिंग कंट्री है। यहाँ पर लॉट्स ऑफ माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स हैं अबाउट इंडियन लॉ दैट आर नॉट येट पॉपुलर और हर किसी को मालूम नहीं है। इंडिया इज लार्ज कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड लैंड, तो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर एवरी पीपल टू डिस्कवर द माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स ऑफ द कंट्री। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंडियन लॉ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं। आइए इन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। क्या आप जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें 444 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं और अभी तक इसमें 118 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। क्या आप जानते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अ टोटल ऑफ 283 मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने साइन किया था। आफ्टर मीटिंग ऑफ डिफरेंट कमिटीज एक ड्राफ्टिंग कमिटी को फॉर्म किया गया द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थे। आफ्टर क्या हुआ, कमिटी ने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया और उसको सबमिट किया असेंबली में इन 1947 नवंबर में। पूरे 2 साल से ज़्यादा लगा फाइनल टच देने में और इस पर डिबेट्स और अमेंडमेंट्स हुए। फाइनली 26 नवंबर 1949 द प्रोसेस वॉज कम्प्लीटेड एंड द कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं ओरिजिनल हैंड रिटन कॉपीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर केप्ट इन हीलियम फाइल केसेस इन द लाइब्रेरी ऑफ द पार्लियामेंट हाउस। इस बुक में 1000 फोटोलिथोग्राफिक रिप्रोडक्शंस हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया के और इसमें इलस्ट्रेशन रिप्रेजेंट करती हैं स्टाइल्स फ्रॉम डिफरेंट सिविलाइजेशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रेंजिंग फ्रॉम मोहनजोदाड़ो इन द इंडस वैली टू द प्रेजेंट। द कैलीग्राफिक वर्क जो हुआ है इस बुक में उसे किया गया है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। इसको पब्लिश किया गया था देहरादून में। फ्रेंड्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ 5-year प्लान वॉज टेकन फ्रॉम द यूजर। ये जो 5-year प्लान है वो सेंट्रलाइज और इंटीग्रेटेड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम है। ओसफ स्टर्लिन ने 1920 ईयर्स में फर्स्ट टाइम 5-year प्लान सोवियत यूनियन किया था। कम्युनिस्ट स्टेट्स और सेवरल कैपिटलिस्ट कंट्रीज इसको अडॉप्ट किया। द फर्स्ट 5-year प्लान वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हैड अ ग्रेट रोल इन लॉन्चिंग ऑफ इंडियन डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो इंस्पायर्ड है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल से। इसमें सरकार का एक प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट करता है दोनों कॉन्स्टिट्यूशंस में और वो बहुत पॉपुलर है। वो कोटेशन क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डू हेयर बाय अडॉप्ट एंड एनएक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो कोटेशन है दैट द अल्टीमेट पावर लाइज विद द पीपल एंड दे आर मेन सोर्स ऑफ पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस प्रिंसिपल को रीइन्फोर्स किया गया इस इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा में एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ adult suffrage। Friends, the fundamental rights recognized by our constitution has also been adopted from the American constitution। हमारे Indian constitution में 9 fundamental rights हैं जो as a basic human rights हैं हमारे all citizens के। There are many similarities between the 2 constitution of India and the United States of America। और कुछ similarities क्या हैं, involve the principle that these 2 constitutions share, right? और यहाँ पर देयर मैनी प्रिंसिपल्स हैं ऑफ गवर्नमेंट रिफ्लेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं इंडिया में 2.18 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर कोर्ट्स में। 12 स्टेट्स हैं जहाँ पर मोर देन 5 लाख केसेस हैं अभी डिसाइड होने के लिए। वहीं उससे थोड़े से कम केसेस ऐसे हैं और एवरेज उनका निकाला जाए तो एटलीस्ट 10 इयर्स से उनका कंक्लूजन बाकी है। टोटल पेंडिंग केसेस जो हैं वो मोर देन 20 लाख हैं और ऑलमोस्ट 10% जो केसेस हैं वो विमेंस द्वारा फाइल किए गए हैं और 3% जो हैं वो सीनियर सिटीजन के। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं इंडिया में 22.2 मिलियन पर्सन्स पर केस चल रहा है वो अंडर ट्रायल हैं। सलमान खान हिट एंड रन केस कितने टाइम तक चलता रहा, 22.2 मिलियन पीपल में वो भी एक केस है जो अंडर ट्रायल है। शॉर्टेज ऑफ प्रोसिक्यूशन, जजेस
कोर्ट्स और कई अदर ऐसे रीजंस हैं स्लो प्रोसीजर, जिनकी वजह से इंडिया में मोर देन पीपल जो है वो अंडर ट्रायल हैं। फ्रेंड्स, अरेस्ट डू हैपन एज शोन इन मूवीज एंड अदर सिटकॉम्स। कोई भी अरेस्ट ऐसे नहीं हो सकता कि पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है। पुलिस ऑफिसर मस्ट बी एबल टू जस्टिफाई द अरेस्ट, उसे जस्टिफाई करना पड़ेगा कि उन्होंने अरेस्ट उसे क्यों किया है। और जो पर्सन कस्टडी भी में है उसके पास ये राइट है कि वो अपने फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को इन्फॉर्म कर सके कि उसको अरेस्ट किया गया है। एंड पुलिस आर ड्यूली बाउंड टू प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर द सेम। इसमें क्या है, राइट टू बी इन्फॉर्म ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट कि उसे अरेस्ट क्यों किया गया, ताकि वो अपने डिफेंस के लिए प्रिपेयर हो सके। सेकेंड, राइट टू कंसल्ट एंड डिफेंडेड बाय अ लॉयर ऑफ हिज चॉइस। राइट टू रिप्रोड्यूस, राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। मजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर्स में प्रेजेंट होना होगा और ये एक्सटेंड हो सकता है ओनली अंडर अ जुडिशियल ऑर्डर। फ्रीडम फ्रॉम इलीगल डिटेंशन, कोई भी अक्यूज को डिटेन नहीं किया जा सकता बियॉन्ड 24 आवर्स एक्सेप्ट बाय द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट।